जुहार हजारीबाग, मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जुहार हजारीबाग। मेरे साथ अलिफ हज उमरा ट्रेवल्स के सादिक जी हैं और यहाँ से 51 हाजी तो नहीं, उमरा करने के लिए जा रहे हैं लोग मक्का और मदीना। और ऐसा इनका ट्रेवल्स जो है वो काफी सालों से काम कर रहा है। आइए इनसे जानते हैं कब से काम कर रहे हैं और कितने लोगों को अभी तक ले जा चुके हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम लोग रांची एयरपोर्ट आए, देखा कि इतना भीड़ लगा है और एक आदमी जो है लगातार इतने लोगों के साथ जाता है और आता है, कैसे क्या होता है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शादी खान, अली फज उमरा ट्रैवल, रांची झारखंड से। सबसे पहले इसमें अभी 60-70% ऐसे लोग हैं जो हज कर चुके हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हाजी बोल सकते हैं। अच्छा। दूसरी बात, ये ट्रैवल 4 सालों से काम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और बैक टू बैक हर महीना 1-1.5 महीने के गैप में अलीफ हज उमरा ट्रैवल का जत्था मक्का और मदीना के लिए रवाना होता है। अभी चूंकि अभी आज का रवानगी अल्हम्दुलिल्लाह, फिर वापसी 22 तारीख को होगी हम लोगों की, 22 तारीख। अब लोगों की फिक्र होती है पहली बार मक्का के अंदर और मदीना के अंदर उमरा किस तरह से करना है। अलिफ हज उमरा ट्रैवल का ये फिक्र होती है कि अपने जायरीन को हाजी को लेके जाती है तो पूरे मक्का और मदीना में 37 मुकाम का ज्यारत कराती है। 37 मुकाम का मतलब ये हुआ कि कुरान और हदीस के अंदर जितने मुकाम का जिक्र है, चाहे बद्र हो, ताइफ हो, सुलह हुदैबिया हो, जंगे उहद है, खंदक है, मस्जिद किबलतैन, जो भी मुकाम का जिक्र है अल्लाह के रसूल, किस जगह वही नाजिल हुई, मस्जिद जीन हो, जन्नतुल माला, जन्नतुल बकी, रियाजु जन्ना, जितने जगह का जिक्र है अल्हम्दुलिल्लाह 37 मुकाम का ज्यारत हम लोग करवाते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हम अपने लोग को, झारखंड के लोग को, किसी एजेंट के थ्रू, किसी दूसरे के थ्रू भेजते नहीं है, चूंकि मेरे लोग है, वो मेरे से बात किए तो मेरा फर्ज बनता है कि पूरे मक्का और मदीना उनको साथ में ले के उमरा कराऊं, 2-3 दिन उमरा, मतलब साथ में रहते हैं पूरे टीम के साथ। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अलीफ हज उमरा ट्रैवल में 2 डायरेक्टर, एक हाजी सम तबरेज साहब, चूंकि वो मक्का में 7 साल रहे और उनका अरबी काफी अच्छा है, तो वो भी साथ में जाते हैं। अच्छा। और हम लोग दोनों साथ में जायरीन को लेच के पूरे मक्का मदीना का ज्यारत तो और उमरा करते हैं। वहाँ जाने से कोई यहाँ के लोगों को लैंग्वेज प्रॉब्लम, कोई रहने का खाने का ऐसा प्रॉब्लम? ये इसी चीज की फिक्र होती है कि वहाँ बेसिकली इंग्लिश लोग समझते नहीं है, आपका जो मुकामी लैंग्वेज उर्दू अरबी, उर्दू नहीं समझेंगे, वहाँ सिर्फ 1 एंड ओनली 1 लैंग्वेज जो चलता है वो अरबी चलता है। हाँ। तो हाजी सम सबरेच साहब साथ में रहते हैं और हाजी को या जायरीन को कोई भी दिक्कत होता है, हत्ता कि कुछ खरीदना हो तो लैंग्वेज का मसला होता है, तो वो साथ में रहेंगे तो लैंग्वेज का मसला नहीं होता। एज अ टूरिस्ट गाइड बन के साथ में रहते हैं, गाइड बोल सकते हैं, लेकिन फिकर होता है कि मेरे अपने लोग हैं। हाँ। तो साथ में मेरा जाना लाजिम है, क्योंकि उनके अंदर पहली खुद का कंपनी भी है और खुद जाते भी हैं, आते भी हैं, तो कितनी बार चले गए? जी अल्हम्दुलिल्लाह साल में 7-8 बार मेरा रवानगी होता है। अच्छा। महीने का 1.5 महीने का जत्था रांची से ही रवाना होता है और वापसी हम लोग रांची में रहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि मक्का के अंदर जो होटल होता है वो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस में होता है। अच्छा। मतलब कि होटल से मस्जिदुल हरम में 5 मिनट में दाखिल हो जाएंगे। अच्छा। मस्जिद नबुई से हम लोग मस्जिदुल नबुई से जो होटल का वक्का होगा वो 2-3 मिनट में आप होटल से मस्जिद नबुई में दाखिल हो जाएंगे। ये जो हाजी लोग हैं या फिर जो हज उमरा के लिए जाते हैं, उनको प्री ट्रेनिंग क्या होता है? पहले फॉर एग्जांपल हम कुछ जान नहीं रहे हैं वहाँ के बारे में, तो पहले जानकारी कैसे लेते हैं? आपके फोन के थ्रू होता है या कुछ ट्रेनिंग भी कराते हैं आप लोग? नहीं, हमारा हर जत्था चूंकि ट्रेनिंग होती है, अलीफ हज उमरा ट्रैवल के जितने जायरीन जाते हैं साथ में, उनको सारी बातों का तरतीब बताया जाता है। उनको किसी तरह का डॉक्यूमेंटेशन का कोई कि आप वो जेरोक्स करा लेंगे, वो करा लेंगे, वो सब कराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अच्छा। उनको पूरा सेट बना के, बैग, आईडी कार्ड बना के, सारा कंप्लीट, टिकट, वीजा, अराइवल सारा निकाल के सेट दिया जाता है और एक डेट मुकर्रर होता है, उस डेट में हम लोग बुलाते हैं और उनको हैंड ओवर करते हैं और उमरे का पूरा तरतीब बताया जाता है। अच्छा। तो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक परिवार अगर जा रहा है, बच्चे साथ में हैं, तो कितना मिनिमम कॉस्ट क्या आ जाता है? देखिए कॉस्ट पे हमको लगता है लोगों को बात नहीं करना चाहिए, अपना बजट जैसा होता है। हाँ। मान ले किसी का मिनिमम बजट है 75,000। हाँ। तो 75,000 का पैकेज में डायरेक्ट बुक ना कराए, वो पहले 75,000 में बात करे कि मक्का के अंदर और मदीना के अंदर 75,000 में मुझे क्या क्या सर्विस मिलेगी। अच्छा। मतलब हर पैकेज का अलग अलग। जी, आप डायरेक्ट बुक करा दिया, ऐसा ना हो कि मक्का में जाके आप रो रहे, फंस गए, परेशान हो जाइएगा, क्योंकि 75,000 में होटल मस्जिदुल हरम से कितना दूर होगा? हाँ। ये बहुत दूर होगा। खाने का निजाम बिल्कुल सादा होगा, जियारत आपका 10-12 जगह का जो लोकल जियारत वही होगा, जैसे बद्र, ताइफ, सुलह हुदैबिया, ये सब का जियारत नहीं होगा।
फिर अलग अलग पैकेज है, इकोनॉमी है, डीलक्स है, आप पहले पैकेज मतलब बात ये मान सकते हैं कि अगर आप लोग साथ में हैं तो उन्हें ना कुछ ज्यारत करने में दिक्कत होगी, ना होटल ढूंढने में दिक्कत होगी, ना खाना खाने में दिक्कत होगी। नहीं, यहां नहीं, से इंशाल्लाह इंशाल्लाह उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, चूंकि हम लोग जाते हैं और हम लोग साथ में लेके जाते हैं, सारे लोगों को कहीं पर कोई मसला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। बिल्कुल, तो कुछ लोगों से हम लोग बात करना चाहेंगे अगर आप मिलाए। लोग कहाँ, ये ऑलरेडी हमारे साथ पहले गए हुए हैं। पहले गए चाचा, कहाँ पहले, कब गए, कैसा एक्सपीरियंस रहा? हम लोग 16 सितंबर को गए थे अगला साल। अच्छा जी, और ये 30 जून को फिर हज में भी गए थे। फिर से आप जा रहे हैं इनके साथ? नहीं नहीं, अभी तो नहीं जा रहे हैं, तो 14 जुलाई को तो हम लोग हज से वापस हुए हैं। तो अभी आप यहाँ पे आए मिलने के लिए आए हैं? अच्छा, मिलने के लिए जी, जी, आपका कोई जानने वाला जा रहा है? हाँ, हम लोग का ग्रुप में गए थे, वो लोग 7-8 आदमी हैं, तो वही लोग फोन किए थे, तो वही सब मिलने आए। क्या लगा, मतलब वहाँ आप अरबी जानते हैं? अरबी नहीं जानते हैं। कैसे वहाँ पे, मतलब वहाँ सब रहता है, सब साथ में रहते हैं, तो वहाँ कोई मैंने हम लोग जब रांची का खास रहते हैं तो वहाँ हम लोग को अरबी उर्दू से कोई लेना देना, हम लोग अपना भाषा में। ऐसा तो नहीं होता ना कि ट्रैवल वाला बोलता है और फंसा देता है? नहीं नहीं नहीं, वैसा कोई नहीं 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 नहीं, हम लोग के साथ तो बहुत अच्छा व्यवहार हुआ। हाँ। हम लोग साथ गए, साथ लेके आए, बहुत अच्छा, हम लोग को मतलब किसी तरह का परेशानी नहीं हुआ, बहुत अच्छा। ट्रस्ट कर सकते हैं झारखंड का? एकदम एकदम, बहुत अच्छा से। ऐसा नहीं कि पासपोर्ट छीन लिया जाएगा? नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं नहीं नहीं। तो और आप अब भी गए हैं? जी नहीं, मैं फर्स्ट बार जा रहा हूँ। अच्छा, पहली बार जा रहे हैं, तो क्या मतलब लगता है? अब जाने के बाद तो पता चलेगा ना। के बारे में बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह तो जानकारी पहले से थी। जानकारी कुछ दी गई यहाँ पे कि नहीं? हाँ, दी गई है, जानकारी दी गई है, मालूमात दी गई है, लेकिन ओलमा के बीच में रह के अल्हम्दुलिल्लाह छतरा में बुजुर्गों से मिलते जुलते रहना, तो इसके करीब बहुत है जानकारी के मामले। अब रही के बारे में तो जानते हैं, लेकिन हाँ, रहना खाना और ये इसके बारे में। अब ये तो भाई साहब अली सादिक भाई लेख के जा रहे हैं। अब इसका जो बोले हैं, ये तो यही बोले हैं सादिक भाई कि मेरा जो कमिटमेंट है, अगर पूरा नहीं होगा तब आप मुझे बोलिएगा। तो उसके भरोसे पर, हाँ, उसके भरोसे पर जा रहे हैं। बोला है इसके, यानी कि और भी पहले से ग्रुप गए हैं, तो उससे एक दो बार मेरी जानकारी मिली। एक मेरे बहनों साहब रोरंडा में रहते हैं, वो भी बोले कि आप अली वाले पर भरोसा कर सकते हैं। अच्छा, इसी भरोसे के नाम है। हाँ, नहीं ना, भरोसे का नाम है। तो देखिए किस तरह से जो यहाँ पे लोग हैं वो बता रहे हैं कि एक भरोसा है अलिफ ट्रैवल्स पे, और वही देख रहे हैं कि हम दूर दूर से लोग, पूरे झारखंड से लोग आए हैं और अपने परिवार के साथ बिल्कुल जाते हैं। और चाचा, आप क्यों आए हैं यहाँ पे? घर वाले को छोड़ने के लिए आए हैं? आप गए हैं, हज उमरा कर चुके हैं? नहीं नहीं किए हैं। तो आप किसको छोड़ने आए हैं यहाँ से? लड़का जा रहा है? अच्छा, तो कहाँ है लड़का को बुलाइए ना जरा। ये फैज भाई। हाँ, तो देखिए किस तरह से जो लगभग 51 लोग आज जा रहे हैं यहाँ पे, 51 लोग जा रहे हैं यहाँ पे। हाँ, मैंने टोटल आने की थोड़ा सा। हाँ, आप जा रहे हैं अपने परिवार वाले के साथ यहाँ से? हाँ। कैसा, मतलब पहले जा चुके हैं कि पहली बार? पहली बार जा रहे हैं। पहली बार। तो क्या लगता है, जो ट्रैवल एजेंसी जो बताया, ट्रेनिंग दिया, इससे आप संतुष्ट हैं क्या है? अभी जाने के बाद ही पता चलेगा, हम पहली बार जा रहे हैं तो जाने के बाद ही पता चलेगा। ट्रैवल एजेंसी आपको बताया, उस चीज पे आप संतुष्टि है? ट्रेनिंग मिला कुछ की? हाँ, ट्रेनिंग मिला है और जो बाकी है सो रास्ते में भी मिलेगा। अच्छा, संतुष्ट है। परिवार के साथ आप जा रहे हैं? जा रहे हैं। ठीक, आप भी जा रहे हैं साथ में? नहीं, आप छोड़ने आए हैं? जी। अच्छा, तो देखिए जब उमरा और हज के लिए लोग जाते हैं तो छोड़ने वालों की भीड़ होती है, पूरा परिवार जो है आता है, फैमिली जो आता है वो छोड़ता है। तो यही जैसा अलिफ ट्रैवल्स ने बताया कि वो खुद जाते हैं इस ट्रैवल में। तो हम लोग जब आए देखे कि लगभग 50 और 60 लोग हर महीने इनके ट्रैवल से जाते हैं और वो खुद इनके जो मालिक हैं साथ में ही जाते हैं। तो एक ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन है अलिफ हज उमरा ट्रैवल्स, और जो पैकेज वो बता रहे थे कि जैसा देते हैं वो पैकेज के हिसाब से। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि बाहर आप जा रहे हैं कहीं, तो आपको खुद से होटल ना ढूंढना पड़े, आपको खुद से खाने के लिए ना ढूंढना पड़े, आपको खुद से कहीं आने जाने के लिए ना ढूंढना पड़े, तो वो थोड़ा आसान हो जाता है लोगों के लिए। और यही, और इसी को लेकर, हाँ हाँ, आप लोग भी जा रहे हैं? तो माला उधर लेके आए हैं, आप जा रहे हैं? तो कैसा अभी लग रहा है जाने से पहले? पहले गए हैं कभी? नहीं, ये पहली बार है। पहली बार, तो कुछ ट्रेनिंग वेनिंग मिला है आपको? जी, अलिफ हज उमरा ट्रैवल से जा रहे हैं हम लोग, एजेंट के थ्रू जा रहे हैं, वो हम लोग को अच्छे से गाइड किए हैं और हम लोग बहुत अच्छे से केयर करके ले जा रहे हैं। तो आप अकेले जा रहे हैं कि? नहीं, अपनी अम्मी के साथ और खाला सबके साथ। अच्छा, तो उनको ट्रैवल वाला पे पूरा भरोसा है ना? जी, बहुत अच्छे से, बहुत केयर करके ले जा रहे हैं। कहाँ से आप हैं? रांची, लालपुर। रांची से ही है? देखिए महिलाएं पुरुष जो हैं वो सब जा रहे हैं। आप अभी से ही ड्रेस पहन लिए हैं सऊदी वाला एकदम? क्या
कैसा फीलिंग है अभी जाने? हम फीलिंग हम बराबर जाते हैं और मैं अपने बारे बता तो शायद पता नहीं है, मैं बताना चाह रहा हूँ। मेरा नाम हुआ शम्स तबरेज। अच्छा, आप अलीफ हाज उमरा ट्रैवल्स रांची झारखंड, और हम दोनों बराबर जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हाजियों के साथ हम लोग जाके कदम से कदम मिला के ज्यारत का मामला हो या उम्रा का मामला हो या और एक चीज़ बताना चाह रहे हैं कि हम ऑलरेडी वहाँ 6 साल वर्क किए। अच्छा, काम किए वहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हाजियों के बीच रहे हैं। अच्छा, और हाजियों का मामला क्या होता है नहीं होता ये हम बाखूबी उसको चीज़ को समझते हैं। अरबी उर्बी आप आराम से एकदम जानते हो? अल्हम्दुलिल्लाह इसी चीज़ के लिए और भी फायदा इसलिए होता है कि हमको अरबी मालूम है। और जितने भी उम्रे जायरीन लोग होते हैं उनको सबसे पहला जो प्रॉब्लम होता है वो लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, तो उसके वजह से क्या है कि हमको हर तरह ज्यारत का मामला हो या फिर खरीदारी का मामला हो या फिर जद्दा एयरपोर्ट में इमिग्रेशन वगैरह का मामला हो, जो भी एवरीथिंग, या फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इलाज का मामला हो। अच्छा, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हम और हमारे पार्टनर जो है सादिक खान उमूल, आप लोग जान रहे होंगे बेहतर माशाल्लाह, तो हम लोग हर चीज़ में मतलब कि हाजियों के कंटिन्यू देखते रहते हैं कि क्या मामला हो रहा है नहीं हो रहा है, और इसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। पूरे झारखंड के लोग कनेक्टेड होंगे आप? जी, हजारीबाग से हैं और गुमला से हैं और हमारे ये चतरा से है, साहेबगंज से है, मतलब कोडरमा से है, मतलब कि माशाल्लाह झारखंड में सब लोग से जुड़े हुए हैं। तो ये कैसे कनेक्ट करते हैं मतलब आपसे लोग, जैसे जुड़ते हैं तो कैसे जुड़ते हैं? मैं कैमरा मैन को बोलूंगा दिखाएं इनका जो बैच है। हाँ, ये शम्स तबरेज जी, इसमें पासपोर्ट नंबर भी लिखा हुआ है, सारा कुछ लिखा हुआ है और पीछे है इनका एड्रेस है। आपका रांची में एड्रेस कहाँ पे है? रांची में हमारा हेड ऑफिस है। अच्छा, यहाँ सुजाता के पास? हाँ, सुजाता रांची बंसला के पीपी कंपाउंड। और यही नंबर आपका जो जी दिया? हाँ, एक हमारे नंबर मेरे जो हम साथ में हमारे पार्टनर का है और एक हमारा नंबर, दोनों नंबर है। इंशाल्लाह वेबसाइट भी है ना? जी, वेबसाइट भी है, आप यूट्यूब भी सर्च कर सकते हैं हज उमरा ट्रैवल्स। हाँ, वेबसाइट में अगर कोई अगर क्लिक करके पैकेज लेना चाहेगा तो हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। अब प्लस की आप YouTube भी है, आप देख सकते हैं, Facebook भी है। हाँ, हमारा हर चीज, तो आप उसको देख सकते हैं क्या है नहीं। और इतनी सालों में कभी कुछ ऐसा दिक्कत प्रॉब्लम किसी पैसेंजर के साथ? नहीं, कोई पैसेंजर नहीं होता, इसलिए नहीं हो पा रहा है ना। हाँ, क्योंकि हम लोग खुद जा रहे हैं और इसके वजह से कोई भी एवरीथिंग प्रॉब्लम नहीं आती इन लोगों को। ऐसा तो होता होगा जैसे एक आदमी गया, मैं गया तो फिर मैं मेरे पड़ोसी फिर आते होंगे, ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है कि एक मोहल्ला से कोई गया तो उसके मोहल्ला का पूरा आपके पास ही आ रहा है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये गुमला। हाँ, गुमला के बारे बताएंगे। हाँ, गुमला के सिर्फ 2 लोग गए थे। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह इस बार गुमला से 7 लोग हैं। 7 लोग है, बोले नहीं जाना है तो अलीफ के साथ जाएं। अच्छा, अलीफ आपको वो खुद लोग जाते हैं और खुद से हर चीज गाइड कराते हैं। 37 मुकाम का ज्यारत होता है। अच्छा, और 37 मुकाम का ज्यारत के साथ साथ ज्यारत हम ये दावा के साथ कर सकते हैं कि 37 मुकाम का ज्यारत को ट्रेवल नहीं करा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि मैं 6 साल मदीना चप्पा चप्पा एकदम छाना। जी जी, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी तारीफ करना नहीं समझते, हमारे हाजी हमारे साथ गए थे, ये अभी दूसरा बार भी जा रहे हैं, तो उन लोगों को पता है कि मेरा क्या है नहीं है। बहुत सा चीज होता है कि ज्यारत लोग जान रहे हैं लेकिन मालूम नहीं है, हम उसको तस्दीक किए, तस्दीक करने के बाद हाजियों को ज्यारत कराते हैं। और केवल ज्यारत के साथ नहीं, कुरान और कुरान का हदीस को कोट करके जो सही है उस चीज को बयान करते हैं। हाजियों को ले गए हम उमरा के लिए नहीं, मेरा मकसद ये है कि इस्लाम के बारे में उनको पता हो कि मक्का मदीना में क्या हिस्ट्री हुआ था, तो हम लोग कुरान और हदीस को रोशनी में रख के उस बातों को क्लियर करते हैं। और एक चीज और, जैसे हम एक अपने से अगर बुक करके जाते हैं सऊदी और वहाँ पे उमरा करने जाते हैं और जो कॉस्ट लगता है और जो आप ट्रैवल एजेंसी के थ्रू जाते हैं, तो कितना बहुत ज्यादा फर्क होता है कि कुछ फर्क के साथ? फर्क बहुत होता है। फर्क होता है कि आपका ट्रांसपोर्ट आपको हायर करना होगा अपने से, ठीक है, फूड है, फूड भी है, रहने का इंतजाम करना पड़ेगा, सारा चीज लेके देखेंगे आपका कॉस्ट ही पड़ जाएगा। अब प्लस बोलते हैं कि ग्रुप के साथ जाने में क्या होता है कि आप हर स्पोर्ट को याद कर पाइएगा। अच्छा, सोचिए कॉमन सी बात है, एक मिडिल क्लास का फैमिली अगर उसे जा रहा है वो, तो खुद देखेगा कि हाँ हम अगर पैकेज लिए हैं इतना का पैकेज है, अब वो शेयरिंग में जैसे 500 लोग 500 रुपया है। हाँ, तो शेयरिंग तो हमारा 4 में डिवाइड होगा, बढ़ गया, तो इसके वजह से कॉस्टिंग कम आता है इस लोग। बिल्कुल, तो देखिए यही था, आज हम लोग आए थे रांची एयरपोर्ट और बात कर रहे थे अलीफ हज उमरा ट्रैवल्स के लोगों से, और आज जो है 51 हज उमरा के लिए यहाँ से लोग जा रहे हैं, हर साल जाते हैं, हर महीने लोग यहाँ से जाते हैं, और 4 सालों से इनका जो एक्सपीरियंस है वो लाजवाब है, लोगों से भी बात किया। तो बाकी अपडेट आपको हम लोग देंगे जब लोग वापस लौटेंगे तो कैसा एक्सपीरियंस रहा उन हाजियों का, और शायद हजारीबाग में भी से भी बहुत लोग जा रहे हैं, तो हजारीबाग के लोगों के से ये लोग अपील करना चाहते हैं कि इनके ट्रैवल्स के बारे में जानें और जैसे ये लोग ले आते हैं उनके बारे में सीखें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अहमद जोहार हजारीबाग।